नमस्कार साथियों, आज हम एक बढ़िया टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों ने भाई सुना भी होगा, हालांकि ये न्यूज़ मेरे पास बहुत पहले भी आई थी लेकिन मैंने डाला नहीं। अभी आप दोबारा सामने आ गए तो आप लोगों के साथ डालना ज़रूरी है कि भाई आदमी के पास अगर पावर हो, चाहे माइंड का हो, चाहे इंसान के पास और अपनी बॉडी का पावर, यहाँ पे ये ही हुआ है। सपना, जी हाँ साथियों, सपना सुरेश नाम की एक 12वीं फेल औरत ने जो केरला की सरकार है वहाँ की खाट खड़ी कर दी। जी हाँ, सपना सुरेश जो 12वीं फेल लड़की जिसने 12वीं का एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे, उसके फादर दुबई में बिजनेसमैन थे, वो भी दुबई रह चुकी थी, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसको इंग्लिश आती थी या फिर उर्दू में भी वो अरबी भाषा में बात करती थी। जी हाँ, तो आदमी का एक तो हुसनर, एक लैंग्वेज, दो मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए भाई। इंडिया आके वहाँ पे सेटलमेंट होना, जो UAE का काउंसलेट ओपन हुआ था नया त्रिवंद्रमपुरम केरला में, जी हाँ, वहाँ पे साठ गांठ करना, पूरी सेटिंग, पहले यहाँ दुबई में पहले रह चुकी है तो यहाँ भी अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हो गए थे, एम्बेसी में भी कॉन्टेक्ट हो गया था बड़े बड़े लोगों से, तो उनको माइंड में ये बात डल गई थी कि सोना, गोल्ड स्मगलिंग। जी हाँ साथियों, आपको पता है भाई कितने केस पकड़े जाते हैं इंडिया में, रोज़ गोल्ड तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये गोल्ड मामला ही अलग तरीके से था, बहुत बड़ा हाईलाइट, जिसको बोलते हैं ना हाई प्रोफाइल केस वाला हो गया था। 30 किलो गोल्ड एक साथ पकड़ा जाना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी किसके साथ, जो UAE का काउंसलेट था, जो अधिकारी जो सब पहले सस्पेंड हो चुका था, सरित, जी हाँ साथियों, सरित जो इनका सीनियर अधिकारी हुआ था उनके साथ में मिलके पूरा गेम रचा भाई। देखिए आदमी के फिर हो जाता है, सब पहचान भी ऊंची ऊंची हो जाती है, जहाँ कहीं पर भी नौकरी लेनी हो पहचान से नौकरी मिल जाती है, HR की नौकरी, सीनियर या इंडियन एम्बेसी में, काउंसलेट में, जनरल ऑफिस में काम 2016 में इस औरत ने, सपना सुरेश ने शुरू किया था। धीरे धीरे इनकी जान पहचान UAE में अच्छी थी, क्योंकि ये औरत दुबई में रह चुकी है तो जान पहचान अच्छी होने की वजह से इसके लिंक फिर जो UAE में काउंसलेट बना तो वहाँ अच्छे पहले से बाद में बनने ही थे, वो तो आपको पता ही है। धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकली उनकी बैकग्राउंड थोड़ा सा मजबूत बनाने की कोशिश करना, सोशल मीडिया, बायोक्रिटिक या फिर पॉलिटिकली इस तरह से बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक होते होते ये मतलब एक सोने का एक तरह से तस्कर बन चुकी थी। जी हां साथियों, पहले भी ये तस्करी कर रही थी सोने का, और आपको पता है भाई जो कार्गो प्लेन होते हैं, जो UAE से इंडिया जाते हैं कार्गो प्लेन, जो डिप्लोमेटिक कार्गो प्लेन होते हैं जिसमें खास तौर से काउंसलेट का जो इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होना, उनकी जांच नहीं होती एयरपोर्ट पे कस्टम विभाग के द्वारा, और इन्होंने एक अच्छा फार्मूला अपना लिया कि UAE में अच्छी जानकारी थी, यहाँ से कार्गो फ्लाइट में सोना गोल्ड रखवाती दुबई। आपको पता है दुबई में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो कोई भी कैसे भी रख देता, कोई जांच नहीं होती, जांच तो इंडिया में होती है, और वहाँ पे जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो डिप्लोमेटिक कार्गो प्लेन होती है उसमें काउंसलेट से रिलेटेड, एम्बेसी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी कोई जांच नहीं होती, उसमें इनको बहाना मिल गया। जी हाँ साथियों, तो आपको पता है भाई कितने दिन वो कुआव था ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जो गलत है वो गलत है, कभी ना कभी पता लग ही जाता है, तो इसको बाद में शक हुआ, शक के आधार पर छापा मारा गया तो जो सामान आ रहा उसकी चेकिंग हुई तो 30 किलो गोल्ड निकला। जी हां साथियों, पूर्व PRO सरीत थे वो भी वहां था, और ये इनको फिर पुलिस ने छापा मार के इनको पकड़ लिया। गोल्ड स्मगलिंग यानी 30 लगभग आपको पता है कितने का बनता, 30 किलो सोना उसमें जब्त किया गया। जी हां साथियों, करोड़ों रुपए का सोना। फिर उसकी पूरी जांच हुई तो पता चला कि ये जो सपना सुरेश है इसी का पूरा करम धर्म है, उस एक बंदे PRO को शामिल कर लिया, दोनों मिलके अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन फिर भेद खुल गया, यानी वहाँ केरला सरकार की नींद उड़ गई, इधर UAE काउंसलेट था जो अधिकारी उसकी सबकी नींद उड़ गई, दोनों दो सरकारों की इन्होंने नींद उड़ा के रख दी एक तरीके से। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, गिरफ्तारी हो चुकी है, केस चल रहा है। फिर धीरे धीरे बातें सामने आई कि इसका सपना था कि बड़े पैसे वाले लोगों के साथ दुबई में इसके लिंक थे, और इसका भी सपना था कि जो लोग दो नंबर का काम करते हैं वो जल्दी पैसे वाले बनते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, तो वो 12वीं फेल औरत ने ये रच के फिर गोल्ड स्मगलिंग में डाल के, आपको पता लास्ट में तो भाई जेल जाना पड़ेगा। फिर इन्होंने पता लगाया कि इन्होंने कस्टम, अगर इनकी कोई जांच पड़ताल भी होती ना, कई बार ऐसा हुआ तो ये यौन शोषण का मुकदमा लगवा देती, वो जो स्टाफ होते थे, जो कर्मचारी होते थे, जो कस्टम विभाग थे अपनी। फिर पता चला कि अलग अलग 16 शिकायतें इसने अलग अलग नामों से उस कस्टम अधिकारियों के खिलाफ की थी, अपनी कंपनी के अलग अलग नामों से। बाद में पता इसका नाम क्रिमिनल लिस्ट में चढ़ गया, अभी ये जेल के अंदर है।
तो भाई ये होने वाला है, तो कोई गलत अगर ऐसा होता है तो भाई ये नतीजा होने वाला है। बस आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी थी भाई, कोई गलत काम करोगे तो हाँ हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप पैसे वाले बन जाओ या पैसे हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो पैसे भी नहीं रुकेंगे, बेइज्जती, बदनामी, अखबारबाजी, टीवीबाजी आराम से हो जाएगा। अभी रोहित को देख सकते हो आप, इसका क्या क्या कोई मतलब, मुझे नहीं लगा कुछ मतलब होगा। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।